यूजेस ऑफ आर्टिकल, इसमें सबसे पहले सिखा रही हूं कहां ए का यूज करें और कहां एन का। सबसे पहले हम सीख रहे हैं कहां ए का यूज करें और कहां एन का। सबसे पहले आपने ए और एन लगाते हुए कभी भी इंग्लिश वॉवल्स को नहीं देखना होता, ना इंग्लिश वॉवल की साउंड देखनी होती है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश वॉवल को देख रहे होते हैं या इंग्लिश वॉवल की साउंड देख रहे होते हैं। आपने इन दोनों में से कुछ नहीं देखना है, ठीक है? आपने इन दोनों में से कुछ नहीं देखना है। आपको अगर ए या एन चुनना है तो हिंदी वॉवल के साउंड देखनी आनी चाहिए। अ आ ई ऊ ए ओ, ये हिंदी वॉवल्स होते हैं बेटा, इनकी साउंड देखनी है। अगर इनकी साउंड आ रही हो तो एन, और इनकी साउंड नहीं आ रही हो तो ए। शब्द आपका इंग्लिश में आएगा, साउंड आपने हिंदी में चेक करनी है। शब्द आपका इंग्लिश में आएगा और साउंड आपने हिंदी में चेक करनी है। तो हिंदी की साउंड को इंग्लिश में कैसे चेक करेंगे हम? सपोज ये लिख रखा है तो इसे हम पढ़ेंगे आए। सपोज ये लिख रखा है तो इसे हम पढ़ेंगे ईयर। सपोज ये लिख रखा है तो इसे हम पढ़ेंगे बुक। प्रोनाउंसिएशन के बेस पे बात हो रही है। ये लिख रखा है तो इसे हम पढ़ेंगे पेन। अब इंग्लिश कह रही है जहां हिंदी वॉवल की साउंड आ जाए वहां तो लगा दो एन, जहां हिंदी वॉवल के साउंड ना आए। हिंदी में इसे स्वर कहते हैं। ए आ या वॉवल का मतलब होता है स्वर। कैखे कैखे को व्यंजन कहते हैं, ठीक है? तो जहां व्यंजन की साउंड आए वहां लगाना है ए, जहां व्यंजन की साउंड आए वहां लगाना है ए। आर्टिकल के बारे में आपको मैं एक बात बताना चाह रही हूं बच्चों, स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को आर्टिकल्स और जो मैं आपको पढ़ा रही हूं उसमें बहुत फर्क है। स्कूल में ज्यादातर टीचर्स या तो कहते हैं इंग्लिश वॉवल को देखो या कहते हैं उनके साउंड को देखो, और मैं कह रही हूं ये रूल कभी भी ठीक नहीं होता है। आपके हमेशा आर्टिकल सही माने जाते हैं हिंदी वॉवल साउंड के हिसाब से। तो फिर स्कूल में ये क्यों सिखाते हैं? क्योंकि स्कूल के करिकुलम के हिसाब से छोटे बच्चे को इस तरीके से साउंड सिखाना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए इस रूल को मॉडिफाई करके पढ़ा दिया जाता है। पर एक्चुअली में रूल आपका ऐसे ही लगेगा बेटा, आ का साउंड आए तो एन लगेगा, आ का साउंड नहीं आए तो ए लगेगा।